हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं ओवीसी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और हमें आइडिया लगे कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर के ऊपर। मैं ज़्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस स्क्रीनर के ऊपर ही करता हूँ, क्योंकि क्या है कि इसमें मेरे को एक ही डिस्प्ले में सब कुछ देखने को मिल जाता है। इसीलिए तो ये इसका होम पेज है। आपको जो भी कंपनी का एनालिसिस करना है वो इधर सर्च कर लेना है। तो हम कर लेते हैं, चलो हिंदुस्तान यूनिलीवर का कर लेते। तो आपको इधर सर्च कर लेना है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर आ जाएगा। क्लिक करोगे तो पहली बात, उस कंपनी के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, आप उस कंपनी को जानते होना चाहिए। या तो नहीं जान रहे तो आप क्या करो, उसकी पूरी डिटेल एक बार गूगल करके सर्च कर लो, वो कंपनी कर क्या रही है। तो इन सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास उस कंपनी का होना चाहिए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो कंपनी क्या कर रही है, किस सेक्टर में, वो तो इधर से मिल जाएगा। लेकिन हो सके उतना क्या है कि उस कंपनी के बारे में डीपली जानिए, तो उसके लिए आप गूगल भी कर सकते हो। बाद में इधर आने के बाद आपको क्या है कि इधर मार्केट कैप वगैरह दिखाएगा। हम क्या है कि आज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना सीखेंगे। बाद में हम इसका दूसरा पार्ट आएगा तो और भी सारी डिटेल लेंगे, लेकिन जो हमारा पहला पार्ट है उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे देखते हैं, उसे कैसे यूज करना है वो देखते हैं। तो इसके बाद आपको क्या है कि नीचे आ जाना है, इधर चार्ट वगैरह बताएगा, ये कुछ नहीं देखना है। इधर बाद में पीयर कंपैरिजन में आपको दिखाएगा कि कौन सी कंपनी है जो इसके रिलेटेड वर्क करती है। बाद में हम नीचे और जाते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट आता है। हम क्वार्टरली रिजल्ट लॉन्ग टर्म के लिए जब एनालिसिस करते तो इतना ज्यादा नहीं देखते, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यू के लिए एनालिसिस करना है कि पिछले एक दो साल में ये कंपनी कैसी रही है, तो आप इधर से अपना एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन हम जो लॉन्ग टर्म करेंगे वो पॉइंट इसमें आ जाएंगे, सो अभी मैं ये नहीं बता रहा। बाद में इसके नीचे आओगे तो आपको इधर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखेगा, इस पे ही आपको एनालिसिस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पहले हम देखेंगे, बाद में बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन में डिफरेंस क्या होता है। तो इन सिंपल ये दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि जो स्टैंड अलोन होता है, वो मान लेते कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी है, तो वो जितना हिंदुस्तान यूनिलीवर कमाती है उसका जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बैलेंस शीट, वो सब कुछ आता है आपका स्टैंड अलोन में। लेकिन मान लेते कि HUL ने कहीं और इन्वेस्ट किया है तो उससे प्रॉफिट मिल रहा है, उससे लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है वो सब मिला के आपका आता है कंसोलिडेट में। तो हम मोस्टली हम कंसोलिडेटेड ही देखते हैं, सो मैं कंसोलिडेट में ही आपका एनालिसिस हम करते। बाद में इसमें क्या देखना है, जो मेन पॉइंट है उससे हमें क्या आइडिया लगता है और कैसे एक कंपनी पे इफेक्ट करता है वो हम देखने वाले। तो सिंपल सी बात है, पहले हम सेल्स देखेंगे। देखो कोई भी कंपनी हो, अगर उसका सेल्स इंक्रीज हो रहा है तभी उसकी अच्छी बात होती है। मान लेते हैं किसी कंपनी के आप ओनर हो, तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी कि आपका सेल्स इंक्रीज होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट अगर बिकेगा तभी तो लोगों को पता चलेगा और तभी क्या है कि दूसरी बार वो लेने आएंगे। सो सिंपल सी बात है, जितना हो सके उतना सेल्स इंक्रीज हो वो आपके लिए अच्छा है। तो अभी हम HUL के सेल्स देख लेते। इसमें देखो स्टार्टिंग में एक स्टेबल था, बाद में इंक्रीज हुआ तो और लगातार ये इंक्रीज होता ही जा रहा है, थोड़ा 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 करके ये इंक्रीज होता जा रहा है। सो मतलब क्या हो कि अगर हम सेल्स देखते इस कंपनी में तो क्या है कि धीमे 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 करके ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये इसके लिए अच्छी बात होती है। कोई भी कंपनी हो अगर उसका सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो वो एक अच्छी बात होती है। अभी आपको देखो ये सेल्स के बाजू में प्लस वाला साइन है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको क्या है कि इधर परसेंटेज ग्रोथ दिखाएगा कि कितना परसेंट ये ग्रोथ किया। तो अगर आप परसेंटेज ग्रोथ देखना चाहते हो तो ये प्लस पे क्लिक करो तो आपको परसेंटेज ग्रोथ दिख जाएगा, पिछले ईयर से ये कितना ग्रोथ हुआ है। अभी हम देख लेते हैं एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में क्या होता है, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखो इधर क्या दिखाई दे रहा है, मटेरियल कॉस्ट, मतलब कोई भी मटेरियल यूज हो रहा है तो इसमें कितना परसेंट आपको कॉस्ट जा रही है। बाद में मैन्युफैक्चर कॉस्ट आती है, बाद में एम्प्लॉय जो वर्कर होते हैं उसको सैलरी वगैरह देना होता है, वो सब कॉस्ट आते हैं, और बाद में अदर कॉस्ट। तो सिंपल सी बात है, ये जितना एक्सपेंसेस या तो स्टेबल होना चाहिए या तो इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सडनली राइज हो रहा है, समझ गए। और जब आप दो कंपनी को क्या है कि एक साथ कंपेरिजन करोगे तब आपको आइडिया आएगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है, वो बाद में हम देखेंगे। इन सिंपल हम एक्सपेंसिस को देखते हैं तो ये इंक्रीज तो होना चाहिए, क्योंकि क्या बात है कि अगर एक्सपेंसिस इंक्रीज हो गए तभी तो वो क्या है कि हम मानते हैं कि वो ग्रोथ कर रही है,
समझ गए, लेकिन कामों का बिना वजह के कोई एक्सपेंसेस इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो जब आप सेल्स प्रॉफिट वगैरह देखते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि ये एक्सपेंसेस जो इंक्रीज हो रहा है वो एक नॉर्मल सी बात है। सो जब आप एनालिसिस करो तो एक्सपेंसेस को एक बार देख लेना। अभी इसके बाद का जो पॉइंट है वो देख लेते, उसके बाद हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट कितना कमा रही है कंपनी। समझ गए, तो सिंपल सी बात है, अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा तभी तो आपकी कंपनी और बेहतर बनती जाएगी। समझ गए, सो सिंपल सी बात है, ईयर टू ईयर जब हम प्रॉफिट देखते हैं तो वो इंक्रीज होना चाहिए। तो जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज। तो सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत क्या है कि डिक्रीज हुआ था, लेकिन बाद में आप देखो तो क्या है कि ये इंक्रीज ही होता जा रहा है। और क्या आती है कि बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसमें क्या है कि 3-4 साल बाद एक साल ऐसा आता है जिसमें थोड़ा सेल्स कम होता है, प्रॉफिट कम होता है। तो अगर 1-2 साल क्या है कि कोई भी कंपनी में सेल्स या क्या है कि आपका प्रॉफिट डिक्रीज होता है तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, होता है 4-5 साल या 3-4 साल बाद, ऐसा कोई भी कंपनी में हो सकता है। सो नॉर्मली हमें क्या देखना है, एक लॉन्ग टर्म व्यू देखना है कि पीछे कंपनी अगर अच्छा कर रही है तभी तो वो क्या है कि फ्यूचर में अच्छा करेगी। समझ गए, तो जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज होना चाहिए। अभी इसके बाद है ओपीएम, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ये भी क्या है कि हो सके उतना क्या है कि ईयर टू ईयर इंक्रीज होता है वो अच्छी बात होती है। अभी इसके बाद है अदर इनकम, तो नॉर्मली इसको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन वो भी क्या है कि अदर इनकम भी अगर इंक्रीज होती है हमारे हिसाब से तो वो एक अच्छी बात होती है। बाद में आता है इंटरेस्ट, ये एक अच्छा पॉइंट होता है, ये भी आपको कोई भी कंपनी हो तो उसमें देखना पड़ता है। तो इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी ने अगर लोन ले रखी तो कितना इंटरेस्ट पे कर रही है। तो कोई भी कंपनी हो अगर वो ईयर टू ईयर इंटरेस्ट डिक्रीज करता जा रहा है तो वो अच्छी बात होती है। लेकिन आपको देखना होता है कोई कंपनी में क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत कम लोन ली होती है तो वो नहीं होती, बाद में धीमे धीमे उसको ज़रूरत होने पे वो लोन लेती रहती है तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाता है। लेकिन जब आप उसका मार्केट कैप देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे, तो वो उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मान लेते कि 500 करोड़ है और आपका इंटरेस्ट पे हो रहा है 200 करोड़ का। समझ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि नहीं जितना ये प्रॉफिट कमा रही है अगर उसके हिसाब से देखें तो ये इंटरेस्ट पे करी वो नॉर्मल है तो चलेगा, इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तब भी, और अगर ज़्यादा है तो हो सके उतना क्या है कि इंटरेस्ट ईयर टू ईयर डिक्रीज होना चाहिए। अभी इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो इसके बाद हम डेप्रेसिएशन देखते हैं। तो डेप्रेसिएशन बहुत कंपनी में होता है, ज़्यादा होता है, बहुत कंपनी में कम होता है। सिंपल सी बात है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, समझ गए, वो मैन्युफैक्चर की कंपनी है, तो वो क्या है कि जो अपने मशीन वगैरह होती है वो एक टाइम बाद उसको चेंज करने पड़ते हैं। तो उसकी क्या होती है कि स्टार्टिंग में उसने जब लिए थे तब ज़्यादा कॉस्ट होती है, लेकिन 3-4 साल बाद उसकी कॉस्ट कम हो जाती है और बाद में उसको नए लेने पड़ते हैं। तो जो उसकी कॉस्ट निकल के आ रही है वो आती है डिप्रिसिएशन कॉस्ट में। तो क्या है कि आईटी वगैरह कंपनी में ये बहुत कम होते हैं, लेकिन जो मशीनरी कंपनी होती है उसमें ये ज़्यादा होती है। सो वो क्या होना चाहिए, हो सके उतना स्टेबल होना चाहिए, या इसको तो हम क्या है कि जब कंपेरिजन करते दो कंपनी को तब देखते। सो नॉर्मल है, इसको अभी हम इग्नोर करते, जब हम कंपेरिजन करेंगे तब हम इसको देखेंगे। अभी इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है, मेन पॉइंट, वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब जो प्रॉफिट कमा रही है वो टैक्स से पहले कितना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स नॉर्मली कोई भी कंपनी के लिए इंक्रीज होना चाहिए। तो देखो कोई भी कंपनी अगर वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज कर रही है तो उसके लिए अच्छी बात होती है। बाद में टैक्स तो नॉर्मली क्या होता है, कितना टैक्स वो पे करे, मतलब कितना परसेंटेज वगैरह, और बाद में आता है नेट प्रॉफिट। अभी कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है सब कुछ निकाल के, मतलब जो सैलरी होती है, डिप्रेसिएशन होता है, कोई भी अदर खर्चे है वो निकाल के बाद में प्रॉफिट हमें कितना देखने को मिल रहा है, तो वो भी नॉर्मल सी बात है, ईयर टू ईयर इंक्रीज होना चाहिए। तो कोई भी कंपनी आप देख रहे हो तो लॉन्ग टर्म रन में अगर नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो वो कोई भी कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि एक बार क्या है कि प्रॉफिट इंक्रीज, दूसरी बार डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, मतलब क्या है कि एक स्टेबल रहता है। और बहुत सारी कंपनी में तो प्रॉफिट क्या है कि माइनस में चलता है, बाद में प्रॉफिट है। तो हो सके उतना लॉन्ग टर्म के लिए जो भी आप कंपनी लेके जा रहे हो उसमें क्या है कि नेट प्रॉफिट तो आपको क्या है थोड़ा 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 इंक्रीज होता हुआ दिखना चाहिए, तभी वो कंपनी अच्छी होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें जो मेन मेन पॉइंट देखने हैं वो कौन से, वो देख लेते हैं एक बार। तो पहला पॉइंट है सेल्स, कि कोई भी कंपनी का सेल्स आपको ईयर टू ईयर इंक्रीज दिखना चाहिए। अभी सेल्स के बाद हम क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर टू ईयर इंक्रीज होना चाहिए। बाद में जो छोटे मोटे पॉइंट होते हैं एक्सपेंसेस, बाद में अदर इनकम,
इंटरेस्ट एंड डिप्रेसिएशन, ये चारों पॉइंट को आप जब पीयर टू पीयर कंपेरिजन करते हो तब देखना है, लेकिन फिर भी एक बार जब नॉर्मल कंपनी का एनालिसिस करो तभी देख लो कि कौन सी कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है, कौन सी कंपनी में क्या है कि डिप्रेसिएशन ज़्यादा है, वो सब आप देख लोगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि नहीं एक्चुअली में कंपनी में क्या हो रहा है। बाद में उसके बाद का जो हमारा मेन पॉइंट होता है वो होता है नेट प्रॉफिट। तो कोई भी कंपनी के लिए वो अगर अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है पिछले 10 साल में, अगर उसने क्या है कि धीमे धीमे अपना प्रॉफिट इंक्रीज किया है, तो वो कोई भी कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो मेन पॉइंट थे। अभी हम क्या है कि एक बार दो कंपनी की कंपेरिजन कर लेते हैं, सो हमें आइडिया है कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है। सो अभी हम दो कंपनी के कंपेरिजन करते हैं, सो हमें और बेटर आइडिया। तो मैंने एक साइड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिया है, दूसरी साइड कोलगेट लिया है। तो देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर को पहले मैं क्या है कि इसका पीएल स्टेटमेंट ले लेता हूँ, सो आपको और बेटर आइडिया है। सो ये मैंने इसका पीएल स्टेटमेंट लगा दिया और ये कोलगेट का लगा देते हैं। तो अभी मैंने दोनों कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लगा दिए, तो इधर हम दोनों का कंपेरिजन करेंगे। सो हमें आइडिया है कि ये दोनों में से मैं कौन सी बेटर कंपनी चूज़ करता हूँ अपने लॉन्ग टर्म के लिए, समझ गए। सो ये आपको भी करना चाहिए। सो आपको आइडिया आएगा कि कौन सी कंपनी किस पार्ट में बेटर है किस पार्ट में वीक है, सो बाद में आप अपने हिसाब से एक डिसीजन ले सकते हो। पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लेते हो, इसमें देखो ये ग्रोथ हम परसेंटेज के हिसाब से देख रहे, तो कौन सी कंपनी ज़्यादा परसेंट ग्रोथ कर रही है पिछले साल से। ओके, तो आप देखो इधर 8%, 9%, 1%, 3%, 7%, 10% एंड 1%। और जब हम कोलगेट तो देखते हैं तो वो क्या है कि थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज कर रही है परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन जब हम पिछले 3-4 साल देखते हैं तो वहाँ ये क्या है कि इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया है, और वहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर ने थोड़ा अच्छा बेटर परफॉर्म किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा है परसेंटेज के हिसाब से और कहाँ वो ज़्यादा खर्च कर रही है। सो अभी हम देखते हैं कि मटेरियल कॉस्ट देखो आपको क्या है कि नियर अबाउट 40% के आसपास क्या है कि इसमें लग रही है, और जब हम कोलगेट में देखते तो वहीं सेम है कि 35-37, मतलब ईयर टू ईयर ये डिक्रीज कर रही है कि मटेरियल कॉस्ट हो सके उतनी डिक्रीज हो, मतलब एक अच्छी बात होती है कि मटेरियल कॉस्ट ये डिक्रीज कर रही है तो उसका सीधा असर आपको प्रॉफिट में देखने को मिलेगा, समझ गए। सो मटेरियल कॉस्ट ये डिक्रीज कर रही है तो कोलगेट के लिए एक अच्छा पॉइंट है। बाद में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो वो क्या है कि हमारा एचयूएल डिक्रीज कर रहा है, सामने अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखे तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है कोलगेट में। ओके, बाद में एम्प्लॉय कॉस्ट तो नियर अबाउट 5 है और नियर अबाउट इसमें 7% है। ओके, बाद में अदर कॉस्ट तो उतना ज़्यादा हम देखते नहीं क्योंकि नॉर्मली हमें आइडिया नहीं हो कि कहाँ से आए। अभी इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसको देख लेते, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में जब हम देखते तो ईयर टू ईयर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, जब हम कोलगेट में देखते तो उसमें भी आपको ईयर टू ईयर इसका प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हम OPM की बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो भी ईयर टू ईयर इंक्रीज होता जा रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, और लास्ट 25% था। जब हम इसके अपोजिट कोलगेट में देखें तो उसमें भी आपको क्या है कि 3 साल ये क्या है कि स्टेबल रहा, बाद में इसने इंक्रीज किया और लास्ट का जो इसका परसेंटेज का वो 24 था। इसको भी हम क्या है कि सेम मान सकते हैं कि इतना ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। बाद में इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट क्या है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक नॉर्मल है, और जहां हम कोलगेट की बात करें तो वो 0 है, तो मतलब ये डेट फ्री कंपनी हो सकती है। अभी इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो ईयर टू ईयर इंक्रीज होना चाहिए, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जब हम देखते तो वो ईयर टू ईयर इंक्रीज होता जा रहा है, बाद में हम कोलगेट में देखें तो उसमें भी ईयर टू ईयर प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, सो वो भी अच्छी बात होती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अभी जो हमारा लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेट प्रॉफिट, उससे देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमने देखा ही था कि ये ईयर टू ईयर प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है, और उसके बाद हम कोलगेट में देख लेते हैं, तो कोलगेट में भी आप देख रहे हो तो ईयर टू ईयर ये भी क्या है कि प्रॉफिट कमा रही है, समझ गए। और जब भी आप दो कंपनी को जब कंपेरिजन करते हो तो दोनों कंपनी एक ही सेक्टर की होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंपनी आप क्या है कि FMCG लेके जा रहे हो और दूसरी कंपनी आप IT लेके जा रहे हो। ऐसा करोगे तो आपको क्या है कि जिसका प्रॉपर रिजल्ट होता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि एक कंपनी के मान लेते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट है जो ज़्यादा होते हैं और दूसरी कंपनी के कम होते हैं, सो आपको एक जो डिफरेंस होता है वो दोनों में मिलेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरे को कौन सा लेना है। सो हो सके उतना एक ही सेक्टर के जब आप कंपेरिजन करोगे तो आपको और ज़्यादा बेटर आइडिया आएगा कि कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है दोनों में से। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट फंडामेंटल एनालिसिस का, जिसमें हमने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैसे रीड करते हैं वो देखा।
और दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज़ यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।